ऑलमोस्ट 3 weeks एंड मुझे बहुत पॉजिटिव डिफरेंस दिखा, बहुत जल्दी दिखा। और मुझे अगर पॉजिटिव चीज़ लगी तो मैं भी आपके सामने वो चीज़ रखूँगा। और जो मैंने प्रोडक्ट्स का यूज़ किया ना, ठीक है, इट्स नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रांड कोलैबोरेशन, कुछ भी नहीं है, ना मैं किसी ब्रांड को प्रमोट करना चाहता हूँ। इट्स जस्ट दैट आई बिलीव इन दैट प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज बायोटीक एंड दिस इज अ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेसिकली। सो आई बिलीव इन दिस प्रोडक्ट एंड आई एम पुटिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू कि बहुत पॉजिटिव डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अगर आप ये प्रोसीजर जो है फॉलो करते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद द प्रोसीजर। तो गाइज, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको फेस अपना वॉश करना है। फेस वॉश प्रोडक्ट यूज नहीं करना, जस्ट सिंपली विद द वॉटर आपको फेस अपना वॉश करना है एंड उसके बाद ड्राई करना है। तो गाइज, CTM प्रोसीजर में सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है क्लेंजिंग का। अब क्लेंजिंग करने के लिए मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ वो है बायोटिक का हाइड्रेटिंग क्लेंजर। अब आपको इसको सिंपली अपने फेस पर अप्लाई करना है और इसको रब करना है एंड लेट इट रेस्ट एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। और जो क्लीनिंग एक फेस वॉश नहीं कर पाता ना, वो ये क्लेंजर कर देता है। तो अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, जब आप ये क्लेंजर जो है वो अप्लाई करते हो अपने फेस पर, तो वो क्या करता है, स्किन पोर्स जितने भी होते हैं उसके अंदर एंटर कर जाता है और जितनी भी आपके फेस पर डर्ट होती है उसके साथ डिजॉल्व हो जाती है। और 1 मिनट की वजह से उसकी डिजॉल्विंग बहुत अच्छी हो जाती है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टेक अ सिंपल वॉश क्लॉथ और उसको अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करना है। जो भी आपने क्लेंजर अप्लाई किया था उसको अच्छे से रिमूव कर देना विद दैट एंड वी आर डन विद स्टेप नंबर 1। तो गाइस, CTM प्रोसीजर का जो सेकंड स्टेप है उसको हम कहते हैं टोनिंग। और टोनिंग के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ वो है बायोटिक का पोर टाइटिंग टोनर। और आपको इसको सिंपली अपने फेस पर अप्लाई करना है एंड इट विल गिव यू अ वेरी कूलिंग इफेक्ट। तो गाइस, टोनर आपके फेस पर कैसे काम करता है, जब हमने क्लेंजिंग कर ली तो स्किन पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया आ सकता है, उसके अंदर कुछ भी डर्ट आ सकती है और उससे चांसेस रहते हैं कि आपके फेस पर एक्ने हो जाए। लेकिन ये जो टोनर जब हम इस पर अप्लाई कर देते हैं तो ओपन जो स्किन पोर्स है, वो उसको ब्लॉक कर देता है एंड कोई भी बैक्टीरिया एंटर नहीं कर सकता और आपको एक्ने प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दिस इज व्हाट अ टोनर डज। और जब आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करते हो ना तो बहुत ही ठंडा ठंडा सा फील होता है बिकॉज इसके अंदर क्यूकम्बर प्रेजेंट है। और जब आप इसको अप्लाई करते हो तो आपके फेस पर टाइटनिंग आपको खुद फील होती है और थोड़ी सी जलन भी होती है। एंड वी आर डन विद स्टेप नंबर 2। सो गाइस, CTM प्रोसीजर का थर्ड और लास्ट स्टेप जो है उसको हम कहते हैं मॉइस्चराइजिंग। और मॉइस्चराइजिंग करने के लिए मैं अगेन यूज कर रहा हूं बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर। अब क्लेंजिंग होगी, टोनिंग होगी और सबसे आखिरी में आपको सिंपली इसको अप्लाई करना अपने फेस पर एंड वी आर डन विद द CTM प्रोसीजर। अब मैं आपको बताता हूं ये मॉइस्चराइजर किस तरीके से काम करता है। आपने क्लेंजिंग कर ली, आपके स्किन पोर्स खुल गए, आपने टोनिंग कर ली, आपके स्किन पोर्स बंद हो गए, तो इसका क्या काम हुआ? तो ये क्या करता है, आपके स्किन पोर्स को एक एडिशनल लेयर देता है, एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर देता है जिससे आपको एक्ने बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो दिस इज अ मस्ट। तो जब हम टोनिंग करते हैं तो हो सकता है आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाए, तो ये मॉइस्चराइजर लगाने से आपकी स्किन को थोड़ा मॉइस्चर मिलता है एंड इवन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरीथिंग। तो गाइस, ये था हमारा CTM प्रोसीजर और आपने देख लिया कितना सिंपल से इसके अंदर 3 स्टेप्स थे। अगर आप इसको रोज फॉलो करते हो इट विल टेक ओनली 3 मिनट्स और आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग होने वाली है। अगर आपको इसमें अंदर बेस्ट रिजल्ट्स ही है तो ये जो CTM प्रोसीजर है आप जब सुबह नहाते हो तब उसको अप्लाई करो और रात को सोने से पहले करो बिकॉज पूरे दिन की डर्ट होती है। और गाइज, अगर आप इसको जेन्युइनली और सही तरीके से इसको रोज फॉलो करते हो ना, आई अश्योर यू गाइज, आई गारंटी यू गाइज, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली और 1 हफ्ते के अंदर आपको नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा। दिस इज माय वर्ड टू यू। और गाइज, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी एक्ने की प्रॉब्लम्स के ऊपर। उसमें सब लोग यही बताते हैं कि खूब पानी पियो, खूब दही लस्सी पियो, ये वो बहुत कुछ बोलते हैं। मैंने भी वो चीज़ ट्राई करी थी एंड स्टिल मेरे को प्रॉब्लम होती थी बिकॉज मेरी डाइट जो थी वो बहुत गर्म थी। मैं जितना मर्जी पानी पी लूँ मेरे को होता ही था। लेकिन जब मैंने CTM प्रोसीजर ट्राई किया मुझे फ़र्क दिखा एंड आई एम पुटिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। और गाइज, अगेन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भी प्रमोशन नहीं करूँ किसी भी टाइप की। इट्स जस्ट दैट आई बिलीव इन दिस प्रोडक्ट, मैंने इसको यूज़ किया, मेरे को फ़र्क दिखा तो मैंने आपके सामने ये चीज़ रख दी। और गाइज, अगर आप ये 3 प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। अगर आप उस लिंक से खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिलेंगे और मैं कहता हूँ शायद 450 के अंदर अंदर आपको ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे एंड आई रियली होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो। मैंने ये चीज़ फॉलो करी, मेरे को फ़र्क दिखा, मैंने आपके सामने ये चीज़ रख दी क्योंकि दिस इज माई ड्यूटी। मेरा यूट्यूब चैनल है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। वॉट आई डू फॉर माई सेल्फ आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दिस फॉर योर सेल्फ। सो गाइज, इट इज द टाइम टू से गुड बाय। और मैं अगेन ये बोलना चाहता हूँ कि इस CTM प्रोसीजर को आप बिल्कुल ट्राई करो, आपको बहुत फर्क दिखेगा। और अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस जो है वो मेरे साथ शेयर करो ताकि मेरे को पता चले कि कितनी हेल्पफुल रही है मेरी वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना और इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, उनको टैग करो। एंड दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।